यहाँ तो विपक्ष को प्रत्याशी नहीं है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, था नहीं है जी, ये तो है कि विपक्ष का कोई है ही नहीं, वो भाग गया है विपक्ष समझिए कि यहाँ से। पासवान जी का भी रिकॉर्ड टूटेगा, पासवान जी का भी रिकॉर्ड टूटेगा। कार्यकर्ता सम्मेलन है युद्ध की रणनीति तैयार करने के लिए, आगे चुनाव जीतने के लिए और महाराजगंज में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार, और आप देख रहे हैं BR04 न्यूज़ जी। मैं मौजूद हूँ अभी तरैया में, और ये तरैया विधानसभा है और तरैया में ही मौजूद हैं। और देखिए पीछे जो कि ईसुआपुर से धीरज सिंह जी और अपने दल बल के साथ, और उनकी मैडम जो की बात करें तो प्रियंका सिंह जी भी इसमें शामिल हैं। आइए हम जानते हैं कि आज क्या कारण है और ये तरैया में जो कि आज दिख रहे हैं और क्या है और क्या आज आगे होने वाला है और चुनावी दौर भी है, आइए इस पे लेकर के हम बात करते हैं। सर, तरैया में आज दिख रहे हैं क्या है सर? भारतीय जनता पार्टी के तरैया विधानसभा के कार्यकर्ताओं का जो आज बैठक है उसको सम्मेलन का छोटा सा रूप दिया गया है, जिसमें हम 300 जो हमारे 7 बूथ हैं हर बूथ को हम कैसे जीतेंगे इसकी रणनीति हम तैयार करेंगे, और नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है 400 बार उसके लिए क्या हम कर सकते हैं पूरे महाराजगंज कंस्टिट्यूएंसी में कि वह लक्ष्य पूरा हो। और महाराजगंज के लिए हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है कि 4,00,000 बार उस पर बूथ वाइज हम क्या रूटीन करें, क्या काम करें जिससे 4,00,000 पार का हमारा जो लक्ष्य है वो पार कर सके, इसी के संदर्भ में यह बैठक है जिसको माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और जिले के जो NDA गठबंधन के नेता हैं वे सभी संबोधित करेंगे, इसी के लिए यह बैठक बुलाई गई। मतलब जैसे कि बात करें तो प्रधानमंत्री जी जैसे कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, और आप कह रहे हैं कि महाराजगंज से जो कि 400 पार तो है ही लेकिन 4,00,000 पार। 4,00,000 पार, हाँ हाँ, ये बस वही है। हम लोगों ने जो नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, हम लोगों ने महाराजगंज में नारा दिया है 4,00,000 पार। देखिए एक बड़ी खुलासा कर रहे हैं धीरज सिंह जी, जो कि कह रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इस बार जो कि 400 पार, और यहां से महाराजगंज से कि ये इनकी दावा कर रहे हैं और ये आवाज चल रहा है कि वो तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार लेकिन हमारे महाराजगंज से 4,00,000 पार। हाँ बाबा, क्या कुछ विशेष होने वाला? विशेष जो BJP कार्यकर्ता का यहाँ सारे आज सम्मेलन है, जो आज चुनावी का जो भी है महाराजगंज हमारे प्रतिनिधि जो बात करते हैं। मैम एक मिनट मैम, क्या कार्यक्रम है आज? कार्यकर्ता सम्मेलन है युद्ध की रणनीति तैयार करने के लिए, आगे चुनाव जीतने के लिए और महाराजगंज में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए। जी बहुत, यहाँ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं जो यहाँ के सांसद प्रत्याशी हैं जी। जैसे धीरज सर कह रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री का कहना है 400 पार, हमारा है महाराजगंज से 4,00,000 पार, क्या 4,00,000 से भी ज्यादा से यहाँ से जीत होगी भाजपा की? 4,00,000 से ज्यादा से जीतेंगे, एकदम 4,00,000 से ज्यादा से जीतेंगे। यहाँ तो विपक्ष को प्रत्याशी नहीं है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, था नहीं है जी, ये तो है कि विपक्ष का कोई है ही नहीं, वो भाग गया है विपक्ष समझिए कि यहाँ से। पासवान जी का भी रिकॉर्ड टूटेगा, पासवान जी का भी रिकॉर्ड टूटेगा, अब की बार 5,00,000 से भी पार हो जाएगा, मतलब 5,00,000 से भी पार होगा। देखिए सर, जैसे बताया जा रहा कि अभी BJP के विपक्ष में कोई पार्टी ही नहीं है और 4,00,000 समथिंग 5,00,000 पार करेंगे, क्या हो सकेगा सर? उससे ज्यादा का अनुमान है उसके। और यह कहते हुए कि नरेंद्र मोदी
नीतीश जी का जो विकास का योजना है उसको गति देने का काम हम काम करेंगे, हर बूथ पर जाने का काम करेंगे, हर मतदाता से मिलने का काम करेंगे और तब जाकर 400 का जो टारगेट है पूरा, 1 लाख से जीत का टारगेट पूरा होगा। 4 जून को यह रिजल्ट आएगा और विरोधी उस दिन 4 उठाने चित्त हो जाएंगे, यह संकल्प लेकर आप जाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब अगले वक्ता के रूप में